Nobody else is responsible for whatever situation you are in. You yourself is responsible. And only you can change the situation. Nobody else can change the situation. So do not try to change anybody else. Change your own self. हम औरों को बदलने, हमारे यही मुसीबत है, हम औरों को बदलने की चेष्टा करते हैं, इसलिए झगड़े में ही रह जाते हैं। अगर हम समझे कि मैं स्वयं को बदलूं, तो अपने आप सब कुछ जीवन में बदल जाता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तेरी इच्छा क्या है, तू बता तो सही, तू मेरे सामने आके तो बैठ गया। इतना अपने को असेंशन करो, इतना असेंड करो, भगवान कहे बोल क्या चाहिए। किसी और को चेंज नहीं करना। तुम चेंज हो गए, तुम चंगे तो जग चंगा, और तुम बुरे तो जग बुरा, और जग बुरा देखते ही जग को अच्छा करने के लिए निकल गए, क्रांतिकारी बन गए। गलत है ये। दुनिया को बदल देंगे, दुनिया को ठीक कर देंगे, तुम अपने को तो ठीक करो। और जब तुम ठीक हो गए, तुम्हारे आसपास की जो रेडिएशंस हैं उससे और लोग ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और वही एक सिद्धांत है, ज्योत से ज्योत जगाओ। तुम्हारे को मैं जागृत करके जा रहा हूं, अब तुम जहां भी जाओगे तुम्हारी रोशनी से औरों के अंधकार दूर होंगे, चाहे तुम चेष्टा करो या ना करो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि दुनिया को समझाना शुरू कर दो शिव योग। आके लोग बोलते हैं मेरे घर के लोग आ जाए शिव योग में, मैं चिंता नहीं करो, तुम रोशनी इतनी तेज करो अपने आप वो खींचे चले आएंगे। कहने से कुछ नहीं होता, खींचने से कुछ नहीं होता, अपने आप हो जाएगा। एवरीथिंग इज ए ऑटोमेटिक फिनोमेना। कभी प्रीचिंग से, कभी समझाने से, कोई समझा है आज तक? कोई नहीं समझा। लेकिन अगर उसकी बंद ग्रंथियों को खोल दो, अपने आप वो सब समझ जाते हैं। जो तुम भाषा बोल रहे हो वो वही बोलेंगे। एक बिल्डर थे, तो उन्होंने कहा बाबा जी मैं कुछ भी मांगू। मैंने कहा बेटर है लिख देना, लिख के मांगना, अच्छे से तुम्हें समझ आएगी। तो हर बारी दिमाग मन स्थिति कुछ और होती है, तो बोलना बाबा जी ये लिखा हुआ है, ये करवा दो, ये सारा पढ़ भी लो और करो भी। तो बोला अनुभव तो बहुत हुआ, लेकिन जब से मांगना शुरू किया सब उल्टा पड़ रहा है। कॉरपोरेशन के छापे पड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ बिजनेस डील करी थी वहाँ विवाद उत्पन्न हो गया। मैंने बोला जो लिखा हुआ जरा लेके आओ, मुझे पढ़ाओ क्या लिखा हुआ है। उस पर लिखा हुआ था मैं फलान फलां बिल्डर। कहता फेमस तो मैं बहुत हुआ, मतलब तुरंत फेमस हो गया, तुरंत मेरा काम भी बढ़ गया, बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया मेरा। लेकिन उसी के साथ साथ मुसीबतें भी बढ़ गईं, जहाँ जहाँ बिजनेस डील हुई वहाँ वहाँ अटक गई, और ये कॉरपोरेशन वाले बिल्डिंग तोड़ने आ गए, ये आ गए। मैं बोला लेके आओ क्या लिखा है। तो उसने लिखा मैं फलां फलां बिल्डर, मैं बहुत बड़ा बिल्डर हो चुका हूँ, मेरे पे शिव कृपा हो गई, मेरा गुरु मेरे साथ है, सब अच्छा हो रहा है, मेरे कई प्रोजेक्ट चल गए हैं। और फिर उसके बाद उसने लिखा था मेरे सभी प्रोजेक्ट बगैर किसी विवाद के, बगैर किसी MCD के छापे के बढ़िया से चल रहे हैं। ये तुमने क्या क्रिएट किया, विवाद और MCD का छापा। ये बगैर, हम एक चीज मांगते हैं अच्छा हो, और फिर लिखते निर्विघ्न हो जाए। ये क्या जरूरत है सुचारू रूप से। इसलिए भूल के भी नेगेटिव कुछ नहीं लिखना। तो उसको मैंने हटवाया, मैंने कहा अब हटा इसको। फिर उसको दोबारा लिखवाया, मैंने कहा ये गोल्डन बुक को जलाओ, इसको अग्नि में डालो, ये सारा खत्म करो, दोबारा लिखो। लिखा अब बगैर किसी, वो हटा दो शब्द, सब अच्छा हो गया, अब वो बहुत मजे में है, आज भी मजे में है।